अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ नवाज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सैफ नवाज ऑफिशियल में। उनके पास बहुत ही वैरायटीज हैं, वो कभी भी अपने टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं। इसमें से उससे काम नहीं चलेंगे, आपको सभी टीमों की एकजुटता का परिचय देना पड़ेगा सभी खिलाड़ी को। और ये यहाँ पे उलझ गए हैं, शर्म वाला और खाई का मिल जाएगा। इसके साथ ही एक अंक से आगे कार्यक्रम के बढ़िया एलिमेंट प्लेयर और इनके लिए गेट को प्रयोग किया है, ऐसा लग रहा है अभी से कॉल करने का प्रयास किया और लास्ट मैच मुझे दिया और विकेट पे गेट को आउट कर दिया। एक और रन का इजाफा था, क्लोज अरुण ने भी काली बॉल कर दी है। 40 सेकंड लास्ट बॉल आगे चलो पीछे 12 रन करते चलो आलो पांडे सारे नीचे बसो डिस्कस ना करें, जो भी फैसला होगा वो आपका फायदा होगा। चलिए अंपायर की बात को मानें, खिलाड़ियों से अनुरोध है अंतर माता से तर्क ना करें, अंपायर का भी इसी से नहीं माना जाएगा, अंपायर का ही टीम से माना जाएगा। प्लीज आप तर्क ना करें, प्लीज आप तर्क ना करें। अरे किसी बात का अगर कंफ्यूज है तो सिर्फ कप्तान मादा ही बात करेंगे, अंपायर मादा से सिर्फ कप्तान मादा ही बात करेंगे। किसी बात को लेकर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कप्तान मादा ही अंपायर मादा से बात कर सकते हैं। जो भी दर्शक बाहर से गाड़ी बाइक लेकर आए हैं, कृपया आप अपना बाइक का स्वयं ध्यान रखें, कृपया आप अपना बाइक का स्वयं ध्यान रखें, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे खबर मिली है कि गाड़ी का फ्लैट जो है वो
खोला गया है, तो कृपया आप अपना बाइक का स्वयं ही देखभाल करें। ठीक चलते जम कर और एक जरूरी घोषणा, जो भी दर्शक खेल के मैदान में खेल देख रहे हैं अन्यथा कहीं जाकर के बात कर रहे हैं, उस दौरान बीड़ी सिगरेट ना पिए, क्योंकि पास में ही जो पटवा है, अगर पटवा में कुछ ऐसे अनहोन बात ना घट जाए, प्लीज आप वहां सिगरेट बीड़ी ना पिए। लास्ट ऑफ योर सर्विस और यहां पे गिव अप। कालीगंज कटोरिया ने पहला रन पहला सेट जीत लिया है। आप लोग अपना अपना प्लेयर तैयार रखो। चलिए दोस्तों, इस टूर्नामेंट का अगला मैच शुरू होगा गंगारामपुर वर्सेस चिलनिया। गंगारामपुर वर्सेस चिलनिया के बीच में इस टूर्नामेंट का अगला मैच खेला जाएगा। भाई राम सर्विस और एक फिर से मौका है फिर उसके पास गेंद को हराने का सर्विस के लिए सर्विस पूर्ण की सर्विस कालीगंज के बोटे की ओर से लाजवाब स्मैश शानदार के द्वारा इसका फायदा लेता हुआ चेंज के रूप में। अब अगली सर्विस आएगी कुशल की ओर से वन टू की सर्विस। वन टू की सर्विस कुशल की ओर से लाजवाब शॉट गेंद दुबल के हाथ से शुरू कर कोशिश जो हमारे टूर्नामेंट के गोल प्लेयर हैं जमीर निसार, नजीर से अतुल सत्तार, इब्राहिम, उत्तमार, अमीर, सताउद्दीन, फारूक, तारिक, बदरुद्दीन, आप सभी से गुजारिश है कि बहुत सारे दर्शक जो है ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उनको हवा में मुकाम करेंगे। 3-1 जो गोल प्लेयर है उनसे मेरी गुजारिश है कि दर्शकों को बाहर करने का कष्ट करेंगे। काफी संख्या में दर्शक खान के अंदर आ चुके हैं, तो प्लेयर चेंज होगा। दुलाल को मेहताब ने रिप्लेस सलीम ऐसा अनवर को रिप्लेस किया है मेहताब ने। ऐसा अनवर है अब मेहताब किनके जगह पर भाई। और एक बार फिर से अच्छा स्मैश कालीगंज के रोटे की ओर से ऐसा आलम की जगह पे खेल रहे हैं महताब कुशल की ओर से और फॉरवर्ड की सर्विस लाजवाब स्मैश लेकिन फिर उसके द्वारा अच्छा ब्लॉक फिर से अच्छा ब्लॉक करने का प्रयास मुजाहिद आएंगे इस्लाम और ये अच्छा स्मैश और इसके साथ ही कालीगंज कटोरिया के खाते में एक और अंकों का इजाफा 5-1 की सर्विस होगी कालीगंज कटोरिया की ओर से कुशल के लिए और बहुत ही अच्छा स्मैश लेकिन उससे भी बढ़िया जवाब देते हुए कटोरिया प्लेयर और एक बार फिर से स्मैशर ने हल्के हाथ उसके बल गेंद को पास किया। आरिफ के पास मौका है गेंद को बनाने का अच्छा स्मैश जरूर है लेकिन फील्ड करने में कामयाब अनवर और तनवीर और एक बार फिर से लाजवाब स्मैश फिर से तनवीर ने बहुत अच्छे तरीके से फील्ड किया और
तारीफ जो रेजर है खुशी के बिस्तर देश का सारा मिलता हुआ और पांच अंक से आगे चल रही है कालीगंज कथोडिया कुशल की जानिब से 6-1 की सर्विस और ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं मत आपके पास गेंद के आगे के गया इसका फायदा मिल जाएगा कड़ी के रूप में 7 रन की सर्विस होगी कालीगंज कथोडिया की ओर से और आरिफ भी भरपूर से प्रयास करेंगे इस मैच रहा इसका अच्छा और लाजवाब स्मैश एस अनवर के द्वारा इसका फायदा मिलता हुआ चीन के रूप में कुशल को और बहुत ही चालाकी भरे अंदाज गेंद को केवल पुश कर दिया इसका फायदा मिल जाएगा कालीगंज कथोडिया को चेंज के रूप में 7 ओवर की सर्विस होगी कालीगंज कथोडिया की ओर से छठा मुकाबला आप देख रहे हैं कालीगंज कथोडिया वर्सेस कुशल के बीच में जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी हुए हैं उनको मैं बता दूं कि कालीगंज कथोडिया ने पहला सेट जीत लिया है और दूसरे सेट में अभी भी 6 अंकों से आगे चल रही है अपने विपक्षी टीम से और 1 अंक का हिस्सा है चीट दोस्तों अगर इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट होला वाली वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मजा आप लेना चाहते हैं तो सही फॉर्म ऑफिशियल के जरिए से भी ले सकते हैं अभी अभी और हल्के हाथों से स्मैश किया सऊदी अरब ने इसका फायदा मिल जाएगा सऊदी अरब वालों की टीम कुशल को दुलाल करेंगे सर्विस और इजाबुर ने केवल गेंद को पास किया अच्छा स्मैश यहां पे लेकिन बहुत ही खूबसूरत बना आरिफ के द्वारा इसका फायदा मिल जाएगा कुशल को चीन चीन का सिलसिला लगातार जारी दोनों टीमों के बीच में 2-7 की सर्विस लाजवाब स्मैश इजाफा होता हुआ इसके साथ ही 7 अंकों से आगे कालीगंज कथोडिया 9-2 की सर्विस अभी भी बढ़ गए यहाँ पे कुशल के पास और एक फिर से और ये अच्छा स्मैश और मिस कर गए नाटा गेंद आगे नहीं गिरता हुआ इसका फायदा मिल जाएगा दोस्तों बोराबारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का छठा मुकाबला शायद 7वां मुकाबला खेला जाएगा गंगारामपुर वर्सेस चिलनिया गंगारामपुर वर्सेस चिलनिया दोनों ही टीम बिल्कुल तैयार है इसमें सर क्या करेंगे इस वक्त तो लाजवाब स्मैश मुजाहिदुल इस्लाम आपके द्वारा कालीगंज कथोडिया की ओर से लेकिन नियंत्रण पर बैठे गेंद बाहर जाता हुआ कोर्ट से इसका फायदा मिल जाएगा कुशल को चला ही करने का प्रयास किया कामयाबी रहे क्लोज कालीगंज कथोडिया के रेजर अनुभवी होने का फायदा मिलता हुआ उनके साथी खिलाड़ियों को नाता ने गेंद को पास करने का प्रयास चला की करने का प्रयास किया और इतने तू सिर्फ तो मैच रहा से फिरोज का जवाब ही मतलब देते हुए उनके विपक्षी खिलाड़ी के रेजर आ रहे हैं एक तरफ कथोड़िया ने चला की करी तो दूसरी ओर कुशल भी कम नहीं है और एक बार फिर से एक मौका है यहाँ पे अच्छा स्मैश करने का लेकिन और जवाब ही हमला सलम के द्वारा अच्छा स्मैश गेंद टच आउट करता हुआ कोर्ट से बाहर हुआ इसका फायदा मिलता हुआ कालीगंज कथोडिया को कथोडिया का स्कोर क्या है 9-3 कथोडिया 9 कुल 3
और ये अच्छा स्मैश करने का प्रयास जरूर था लेकिन नाकामयाब हाथ लगी और इसका फायदा मिल जाएगा कुशील को। 4-9 हल्के हाथों से गेंद के बाद पुश किया मौका है गेंद को और ये एक बार फिर से और आते समय आरिफ ने गेंद को पास किया और अच्छा स्मैश खाली स्थान पर मार बैठे फायदा मिल जाएगा समीम को। नंबर 3 समीम कालीगंज का दौड़ेंगे वो शेख और फिर से सर्विस करेंगे तनवीर कालीगंज के सीनियर प्लेयर तनवीर सर्विस करेंगे अच्छी सर्विस लाल गेंद और ये काफी अच्छा स्मैश यहां पे अगर कुशल की टीम को इस टूर्नामेंट में बने रहना तो इस सेट को जीतने की जरूरत है क्योंकि पहला सेट लोग गवा चुके हैं। अच्छा स्मैश लेकिन बहुत खूबसूरत हुआ समय में कालीगंज को थोड़े की ओर से एक तरफ कुशल की टीम है कुशल की टीम में सारे प्लेयर एक जैसे ही हैं चाहे कुशल के कोई भी प्लेयर हो सभी का जो एज है लगभग सेम है चाहे वो एस आलम हो सईद हो एस अनवर हो महताब हो फिलहाल हो या फिर अमीर हो सारे प्लेयर एक ही तरह के हैं और उनके विपक्ष में कालीगंज की ओर से 2 या 3 सीनियर प्लेयर हैं जो काफी समय से अपने टीम में बने हुए और फायदा मिलता हुआ कटिया को। जी हाँ जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मुजाहिदुल इस्लाम फिरोज समीम फिरोज ये सारे पुराने प्लेयर हैं और एक है तनवीर जो काफी सीनियर प्लेयर हैं और अपने टीम के साथ बने हुए हैं और ये टाइम आउट ले लिया गया है तो सुबह आपसे भी बता दूं दिशा ड्रग एजेंसी अहमदाबाद बाजार जियो ऑफिस गली में आपको दिशा ड्रग एजेंसी मिल जाएंगे। दिशा ड्रग एजेंसी अहमदाबाद बाजार जियो ऑफिस गली में प्रोप्राइटर है संजीव कुमार यानी मुंडा और एक बार फिर से हल्के हाथ से ये केवल गेंद को धकेला और उसका फायदा मिल जाएगा सऊद आलम और उनकी टीम कुशेल को। अच्छा स्मैश इजाबुल पास मौका गेंद को बनाने का लाजवाब स्मैश शमीम लाजवाब प्रहार शमीम के द्वारा और एक बार फिर से तनवीर आलम सर्विस करेंगे 11-4 की सी सर्विस ऐसा करके द्वारा लाजवाब शॉट इस बार कामयाब रहे एस अरवर फिर 11 की है सर्विस इजाबुल के पास फिर से एक मौका है गेंद बनाने का स्मैश रहा स्मैश किया अच्छा स्मैश रिटर्न अच्छा किया कुशल की टीम में फिर से मौका है आरिफ पास गेंद बनाने का और अब वो अपने गेंद को ऑन एंड टच कर गए अपने मिस कर गए शायद दूसरे खिलाड़ी ने टच किया है कुशल की टीम को फायदा मिलता हुआ कुशल की टीम को फायदा मिलता हुआ एक अंक का इजाफा कुशल के खाते में और गेंद को धकेल दिया है सर्वर ने और हल्के हाथों से केवल स्मैश किया फिर से मौका है अब रोबिन के पास गेंद को धकेलने का और जी हां सफल प्रयास अब रोबिन के द्वारा जो कमेटी बॉक्स में बहुत सारे जो कमेटी बॉक्स है बहुत सारे जो यंग लड़के हैं बैठ चुके हैं उनसे गुजारिश है कि बाहरी मेहमान जो है उनको बैठने देंगे समझा ये तो हो ही जा कर पटे ही सबको भाई तो कहो फोन उड़े ले तो खेल के ना आवाज इस टाइम में माता खेल चे वालो जो व्यक्ति इस बोला मारी हेलमेट टूर्नामेंट में आए हुए दर्शकों का दर्शकों के साथ बदसलूकी करते हैं या फिर उनके गाड़ी का शीशा खोल लेते हैं या फिर गाड़ी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं उनसे गुजारिश है कि आप ये बेहूदा हरकत ना करें क्योंकि ये बदनामी बोला मारी के लिए है आप जो भी गलत काम करेंगे इसका जो अंजाम है वो बोला मारी को बदनामी के रूप में मिलेगा इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी तरह का गंदा हरकत ना करें
नौजवान से गुजारिश है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए पीछे में, बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप भी जाए पीछे खड़े हैं, आपसे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, आप बैठे हुए हैं, रियाज करना चाहिए आपसे बात, पीछे बुजुर्ग बैठे हुए हैं खड़े हैं और आप बैठे हुए खुशी यहाँ पे खुशी में कर लिया है और दर्शकों ने अपनी आवाज से अपनी तालियों की गुजरात से इसका स्वागत किया है। दर्शकों खुशी के लिए जोरदार तालियां एक बार उनकी आवाज है, उनकी एनर्जी से लगा दिए मैच काफी अच्छा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर हो चुका है, लेकिन कुशल को ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। कमेटी के जितने सदस्यों में चुना लिया गया है उनसे गुजारिश है कि आप अपना काम सही से करें। मौका मिला था हमें, लेकिन सर्विस कमेटी के जो सदस्य को जो जो काम दिया गया है वो अपना काम करे, क्यों देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो है स्टेज पे बैठे हुए हैं। जेन सर्विस एलिमेंट टू दक्षिण तरफ जो भी दर्शक खड़े हैं उनको बैठने के लिए व्यवस्था किया गया, आप लोग बैठ जाइए। खड़े क्यों हैं आप, चटाई के ऊपर खड़े हैं, पीछे से भी आदमी को दिक्कत हो रहा है। यस बच्चा और गेंद को पास किया आरिफ ने कुशल के रेजर और बहुत ही अच्छा हुआ, फायदा मिल जाएगा। रेगुलर सर्विस टू एली रेगुलर सर्विस के लिए जाए प्लेयर के लिए सर्विस ना जोशा क्या गेंद को बनाएंगे अच्छा सा चलिए इसी के साथ चलिए सेकंड लास्ट बार अगर यहां से जीतेंगे तो फिर तीसरा सेट के लिए जाना जाएगा, लेकिन चेंज करने में कामयाब। अगर कोई फटी हुई सर्विस एक अंदर से आगे चल रही है सेट पे, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कुशल की टीम क्या इस सेट को जीतेंगे। अगर इस सेट को जीतेंगे तो फिर इस मैच में बने रहेंगे और चालाकी और कामयाबी। इसी के साथ दर्शकों थर्टी की सर्विस कालीगंज कबड्डी की ओर से कुशल के लिए, कालीगंज कबड्डियां काफी अच्छा कर रही है। अंपायर का इशारा अंपायर का इशारा बार बार तक इनको खेल में देखना हो रहा है, आप एक बार इनके तरफ से आप बोल रहे हैं, इनके तरफ से आप आउट लुक बोल रहे हैं, कैसे होगा काम।
जोड़ी गेर से लाश पर और एक बार हल्के हाथों से और ये मिस कर गए और सब चेंज अब अगली सर्विस आएगी एक मौका है कुशल के पास 30-40 की सर्विस होगी कुशल के पास मौका है इस गेम में क्या यहाँ पे मौका था मौका को भुला पाएंगे और यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद भुलाने का प्रयास किया था आराम से समय पास करते हुए और धकेलने का प्रयास किया और यहाँ पे फिर से माता के पास मौका है गेंद भुलाने का अच्छा स्मैश उसी का साथ दर्शन भाई साहब कैमरा में छोटी भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से हो रहा है तो दर्शकों आपसे गुजारिश है कि आप घर बना के रखें क्योंकि ये लास्ट बॉल है वो आई नजर से अभी लास्ट बॉल होगा कुछ ही जोर से थोड़ी थोड़ी की बराबरी पर थोड़ी गेम लेकर जाएगा एक बार फिर से समस्या समझाइए एक आदमी चाहिए ना एक कप्तान चाहिए एक आदमी बताइए उनको क्या क्या प्रॉब्लम है सभी टीमों में कप्तान से अनुरोध है कि आप एक आदमी को ही जाने दीजिए आप खुद चाहिए पूरा टीम चाहिए तो कैसे बात होगा आज बॉल अब लास्ट बॉल में भी बराबर हो गया था इस वजह से यहाँ पे मौका मिलेगा कल इसको तो दिया हमको क्या करेंगे यहाँ पे गेम लेके जाएंगे अपने झोली में या फिर कल उनको नहीं ऐसे मिस करेंगे और इसी के साथ कालीगंज का पोडियम ने मैच जीत लिया ना इसी के साथ कालीगंज का पोडियम ने यह मैच जीत लिया है और मैं आगे के लिए क्वालीफाई कर गया है कालीगंज का पोडियम ने इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का यह मुकाबला जीत लिया है और वो आगे के लिए क्वालीफाई कर गया है